मैसेजेस देखो, इसमें पूरे जितने में किसी से बात तक एक अगर लिखता तो 40 और लिखने लग जाते। फर्क तो पड़ेगा ना इन सब चीजों से। मेरे को ये पहले देखो, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो दिल से प्यार करते हैं, जो अच्छी बातें लिखते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अपने ऊपर मत लेना, बुरा किसी भी चीज़ का मत मानना। पर मेरे को आज ये बात बोलनी है। और मैंने दो चार यूट्यूबर्स हैं, उनका मुझे किसी किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा। और देखो, मैंने आज तक ना ही किसी स्ट्रीमर को डिसरिस्पेक्ट किया, ना किसी व्यूअर को किया, ना किसी सब्सक्राइबर को किया। तो आप लोगों को कोई हक नहीं बनता मुझे गलत बोलने का, ठीक है? मैं ना कभी आप लोग को कुछ बोलती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, मैं अपना लाइव स्ट्रीम करती हूँ, ना ही मैं किसी यूट्यूबर के साथ ज़्यादा खेली हूँ स्ट्रीम पे। और मैं जो करती हूँ अपने अपने हिसाब से करती हूँ, ठीक है? ना मैं किसी की हेल्प मांगने गई, ना मैं किसी को बोला जाके मैसेज में कि मुझे रेट करो या कुछ भी करो। तो जो तुम लोग ये लिखते हो जाके ना कि ऐसा है वैसा है, ऐसा मिल गया वो मिल गया, तो मेरे को ये नहीं लगता कि तुम्हारे बोलने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। बट अभी जो चीज़ चल रही है ना, आज मैंने जोनाथन का स्ट्रीम देखी, मैंने क्या आज तक कभी तुम लोग को ये बोला कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ? कभी मैंने अपने साइड से कभी क्लियर किया या कभी अपने साइड से बताया? तो तुम लोग कौन होते हो यार मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने वाले? तुम स्ट्रीम से स्ट्रीम तक मतलब रखो ना, तुम्हें मतलब कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। हम स्ट्रीमर्स हैं, हम लोग, हमारा काम है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग करना, ना कि हमारी पर्सनल लाइफ घुसाना। तुमने कभी मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा? नहीं। तुमने कभी मेरे अपने मेरे बारे में पूछा तो ठीक है, वो भी चल जाता। तुम हर बात को लेकर रिलेशनशिप तक क्यों पहुँच जाते हो? अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है, कोई लड़का है, और सबसे पहली बात तो लड़कियों को इतना क्यों डिसरिस्पेक्ट करना? तुम लोग हमेशा सामने से ये बोलते हो कि आई रिस्पेक्ट गर्ल्स, आई रिस्पेक्ट वुमेन, और खुद ही जाके लिखते हो। खुद में थोड़ा एटिकेट्स नहीं है क्या? तुम वहाँ जाकर किसी के भी लाइव स्ट्रीम पे, अभी 4 दिन से देख रही हो, कहीं किसी के लाइव स्ट्रीम पे मेरा नाम के साथ प्रेगनेंट 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 स्वयं कर दिया, मतलब बुरा नहीं लगता क्या देखने वाले को? थोड़ा सा किसी चीज़ की लिमिट होती है, समझ में आया? कोई इंसान थोड़ा बहुत सहन कर सकता है, इतना ज़्यादा नहीं। मैंने ना कभी किसी के किसी भी स्ट्रीमर को लेके ना मैंने बुरा बोला है, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके मैं बुरा बोलती हूँ, या मैं ना किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ यार। तुम लोग बेवजह कुछ भी कुछ स्वैम करना स्टार्ट कर देते हो, बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों से। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, जितने भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, तुम लोग ही हो आधे से ज्यादा जो मेरा लाइव स्ट्रीम देखते हैं, यहाँ पे आके मेरे बारे में अच्छा लिखते हो और जाके दूसरों की स्ट्रीम्स में जाके ये लिखते हो। कोई किसी को सुपर चैट करके बोल दे रहा है, भाई हमें मेरे को राइट नहीं है क्या स्ट्रीम करने का? लोग भी अगर स्ट्रीम करते हैं, उन लोग को भी दिखता है, वो लोग कितना इग्नोर करेंगे? एक हद तक कोई इग्नोर करता है, ठीक है? मेरे को तुम लोग बोलते हो कि इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो, कितना इग्नोर करूं मैं ये बताओ? हद पार हो गई। आज तुम मेरे को लोग स्क्रीनशॉट ले लेके भेज रहे हैं उनके चैट्स का कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। मेरे घर वाले भी तो देखते हैं ना यार, उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि तुम, मैंने बोला घर पे कि मेरे को स्ट्रीम करनी है, ठीक है? मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है करने की, मेरे को सब सेटअप करके लिए भी हेल्प किया, सब कुछ के लिए अलाउ किया, फेस कैम के लिए तक अलाउ किया, ठीक है? कोई फैमिली वाले इतना नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ने किया और ये सब चीज़ें। और एक की स्ट्रीम में नहीं, जितने पॉपुलर स्ट्रीमर्स हैं, जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स हैं, सिर्फ उनके चैट में जाके करते हैं। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं पढ़ूंगी, नहीं देखूँगी। कम्युनिटी में सबको अपने आप से मतलब है, कोई किसी के लिए यहाँ बैठा नहीं है, ठीक है? सब पबजी मोबाइल अभी बैन हुआ था, सब अपने काम से लग गए, सब अपना अपना देख रहे, कोई किसी के लिए यहाँ पे बैठा नहीं है सबसे पहले। और एक बात ये भी है कि स्ट्रीमिंग से मेरा घर नहीं चलता, मेरा स्ट्रीमिंग से घर नहीं चलता। मेरे पापा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और मेरे को लाइफ में कोई चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैंने मैंने अपनी इच्छा से स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है, ठीक है? जहाँ देखो कभी कोई लड़का स्ट्रीम कर रहा है, कोई भी स्ट्रीमर कर रहा है, अगर मैंने उसके साथ खेल लिया तो तुम मेरा नाम उसके साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हो।
ये मेरा व्हाट्सएप चैट देखो, मैसेजेस देखो, इसमें पूरे जितने, मैं किसी से बात तक नहीं करती यार कम्युनिटी में किसी से, हद होती है तमाशे की। अरे घातक, मेरी चैट की बात नहीं घातक। देखो ये लोग क्या करते हैं, मेरे चैट में नहीं लिखेंगे ठीक है, मैं मेंबर्स ओनली करके बंद कर देती हूँ। जितने जिनकी वॉचिंग 40,000 50,000 के ऊपर आ रही है, उनके चैट में स्वैम करने लग जाते हैं। और ऐसी भेड़ चाल है कि एक अगर लिखता तो 40 और लिखने लग जाते हैं। फर्क तो पड़ेगा ना इन सब चीजों से। घातक एक जगह की बात नहीं है। देखो पहले वो रहेगा के साथ क्या, उस टाइम भी मैंने, चलो उस टाइम तो मैं स्ट्रीम भी नहीं करती थी, वो हो गया ठीक है। अभी आज मैं जॉनाथन की स्ट्रीम पे देख रही हूँ, पूरा सब वही 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 चल रहा है। मतलब हद होती है बेशर्मी की भी। एक हफ्ते पहले स्काउट को सुपर चैट कर करके 100 100 200 का सुपर चैट करके लिख रहे हैं पायल प्रेग्नेंट चेकर इंस्टा स्टोरी, ये कोई बात होती है? हाँ हाँ तू स्ट्रॉन्ग है बहुत, ये सारी चीजें नहीं करनी है मैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चिल कर। हद पार हो गई भाई, मेरे से सहन नहीं होता इतना। मेरे को हर छोटी बात का बुरा लगता है। मैं इतने दिन से चुप हूँ, मैं नहीं बोलती थी, पर आज बहुत ज्यादा हो गया, मेरे बर्दाश्त के बाहर है, मेरे से नहीं कंट्रोल होता। मैं पहले ही बता रही हूँ, तुमको लग रहा है कि तुमको ड्रामा लग रहा है, तुमको सिंपैथी लग रहा है, तुमको जो लग रहा है, पर मत करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत।